हेलो गाइस, वेलकम टू केएस एकेडमी। तो आज की इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो वेव पैकेट है, वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है उसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं, और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसके बीच हम रिलेशन निकालने वाले हैं। तो जैसे कि हमने, अगर आपको याद हो तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था वीबी फेज वेलोसिटी का, कि सी स्क्वायर बाय वी, और ये उनके कंक्लूजन पे आया था, डी ब्रोगली के पोस्टुलेट्स के कंक्लूजन पे, जिसमें हमने देखा था कि वीपी इसमें सी से बड़ा हो रहा था और वीपी वी से भी बड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने कंक्लूजन निकाला कि वो जो वेव है उस वो वेव आगे निकल जाएगी और पार्टिकल पीछे रह जाएगा, जो कि पॉसिबल होता ही नहीं है, जो कि इनकरेक्ट था। और श्रोडिंगर ने ये चीज निकाली कि जो पार्टिकल होता है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। तो ये उसी चीज का इलस्ट्रेशन है, उसी चीज का प्रूफ है, ठीक है। तो वीजी का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, डी ओमेगा बाय डी के। तो इसमें हम क्या करते हैं, ओमेगा और के की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, जैसे कि हमें पता है बिकॉज ओमेगा किसके इक्वल होता है, टू पाई म्यू, और के किसके इक्वल होता है, टू पाई बाय लैम्डा, ठीक है। अब हम फर्दर इसे और करें तो हम न्यू की भी वैल्यू डाल सकते हैं, लैम्डा की भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो इसमें हम फर्दर सॉल्व करते हैं, हमें पता है कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो हमारी एनर्जी आई थी वो आई थी एच न्यू, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाय एच। और इसमें भी हम करें तो हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ आई थी, हमारे पास लैम्डा इसके इक्वल आया था एच बाय। अगर हम ये सारी चीजें इसमें पुट करें तो हमारे पास vg की एक नई वैल्यू आएगी, d 2 पाए न्यू, न्यू की जगह हमने क्या रखा है, e by h ऊपर यहां पे ये, और d k की जगह हम क्या रखेंगे, 2 पाए बाय लैम्डा की वैल्यू h by p, h by p, ठीक है। तो 2 पाई बाय h कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे, हम व्हाट आर वी लेफ्ट विद, de अपॉन dp, ठीक है, de अपॉन dp। तो हमने एनर्जी और मोमेंटम के बीच में एक फॉर्मूला पढ़ा है उनके रिलेशन का, एनर्जी इक्वल्स p स्क्वायर अपॉन 2m, ओके। तो अब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें इसे, हम क्योंकि हमें de चाहिए यहाँ पे, तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 2m हम कांस्टेंट मानते हैं तो बाहर आ जाएगा 1/2m। तो p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x स्क्वायर जैसे होगा, तो 2p dp, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास व्हाट आर वी लेफ्ट आउट, p dp अपॉन m, ओके। ये आ गया हमारे पास de की वैल्यू, ठीक है, इसे अगर मैं हाईलाइट कर दूं, तो अब इसे हम इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में, देखते हैं कैसे आता है। ये आ जाएगा हमारे पास पी डी पी अपॉन एम डी पी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी अपॉन मास, विच गिव्स अस ओनली वेलोसिटी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा ग्रुप वेलोसिटी आई वो पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल आ गई। सो फाइनली हमारे जो, जैसे उसमें आ रही थी हमारी ग्रेटर देन बी आ रही थी, तो उससे हमारा रिजल्ट बहुत गड़बड़ हो रहा था, जिसकी वजह से जो हमारे उनकी जो एक्सपेरिमेंट था उसमें करेक्शन करी श्रोडिंगर ने और ग्रुप वेलोसिटी को पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल ला दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या देखा था कि किसी भी पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही, अगली प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। सो अगर आपको प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच।